हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कैम पर। मैं हूं कपिल गौतम और आज की क्लास के अंदर हम 12th की केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, उसके बारे में बातें करेंगे। और उसके बारे में जो भी इंट्रोडक्शन होगा, आज इंट्रोडक्शन आज हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के लास्ट में, लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपको कुछ एक्स्ट्रा मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए क्या है, केमिकल काइनेटिक्स जो है वो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, जिसमें काइनेटिक्स जो मेन वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका वास्तव में मतलब होता है मूवमेंट। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो किसी रिएक्शन के मूवमेंट के बारे में, और इस रिएक्शन की मूवमेंट को इस चैप्टर के अंदर हम क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। मूवमेंट के बारे में, साथ में कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, और साथ में उन रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या है, इन तीन चीजों के बारे में आपको डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, और कुछ रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सभी चीजें इसी में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देख लेते हैं आप केमिकल काइनेटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और साथ में देर आर सम मैकेनिजम्स इन फॉर सम रिएक्शंस विच आर स्टडीड इन दिस चैप्टर फॉर केमिस्ट्री। उसके बाद बात आती है रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे डिफाइन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। तो टाइम के हिसाब से किसी भी रिएक्शन को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी है? पहली जो रिएक्शन है हमारी वो है फास्ट रिएक्शन। दूसरी जो रिएक्शन आएगी आपकी वो आएगी स्लो रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज योर मॉडरेट रिएक्शंस। इनके नाम से आपको क्लियर हो रहा है, कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो बहुत कम टाइम लेती हैं कंप्लीट होने में, लेकिन द मेन थिंग इज कि कितना टाइम लेती हैं। दिस टेक्स ऑलमोस्ट पीको सेकेंड्स टू बी कंप्लीटेड। पीको सेकेंड्स यू कैन से 10^-12 सेकेंड, बहुत ही ज्यादा कम टाइम में ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं। इतना ज्यादा कम होता है टाइम कि इनके रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना भी लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। इनका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इनका एग्जाम्पल हो जाता है आपका आयनिक रिएक्शंस जो हैं, आयन्स फॉर्म होने की जो रिएक्शंस हैं वो सभी फास्ट रिएक्शन के अंदर आती है। इसके अलावा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसी हैं जो फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आती हैं। याद रखिए टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम के अंदर फास्ट रिएक्शंस का जो रेंज है वो क्या होती है। दूसरी बात आती है स्लो रिएक्शंस की। स्लो रिएक्शन इतनी ज्यादा स्लो होती हैं कि उनको कुछ मिनट से लेके कुछ सालों का टाइम लग जाता है, सम मिनट्स टू सम इयर्स। इसके अंदर आप एग्जांपल किसका दे सकते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल रिएक्शन है, सभी जानते हैं, लेकिन उसको कंप्लीट होने में कुछ मिनट क्या, कुछ दिनों से लेकर के कुछ महीनों का, सालों का टाइम लग जाता है। तो ये जो रिएक्शन होगी हमारी वो स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा अगली जो रिएक्शन है आपकी वो है मॉडरेट रिएक्शन, जिनको ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना ही बहुत कम टाइम लगता है, वो मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड इज अ मॉडरेट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन के टाइप हो गए। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। यहां से हमें पता चल गया कि रिएक्शन जो होती है हमारी तीन तरह की होती हैं,
अब यहां बात कर लेते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखिए रेट से हमें कुछ हिंट मिल रही है इसके बारे में कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखिए, देख लेते हैं पहले। हम ये कह के चल रहे हैं कि ए से हमारा प्रोडक्ट बी बन रहा है, तो इनिशियल सिचुएशन में हमारे पास केवल ए था, बी हमारे पास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे एक रिएक्शन स्टार्ट हुई तो उस सिचुएशन में ए के अंदर तो आएगा डिक्रीजमेंट, ए की जो कंसंट्रेशन है वो तो होगी डिक्रीज, बी की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कुछ ना कुछ आनी स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। लेकिन ये सब काम कब होगा? जब टाइम स्पेंड होगा कुछ ना कुछ, व्हेन टाइम स्पेंडेड देयर इज डिक्रीजमेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में आप 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, रिएक्टेंट किस साइड में लिखे जाते हैं ये बताने वाली बात नहीं है। तो डिक्रीजमेंट आती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट होती है। तो इसी चीज को आपको सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है, माइनस, क्योंकि स्मॉल चेंज आता है कंसंट्रेशन में विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से आप रेट को क्या लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, वेयर इज आर इज रिएक्टेंट। सिमिलरली दिस विल इक्वल टू प्लस dp upon dt where p is product। इसी चीज को आपको सिंबल्स में लिखना था, जो चीज आपको बताई गई है टाइम के साथ साथ a की कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्योंकि कमी आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपने उसको सिंबल्स में कैसे लिखा, माइनस साइन जो दिखाता है वो दिखाता है कमी को, डिक्रीजमेंट को, और प्लस का जो साइन है वो इंक्रीमेंट को दिखाता है, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्लस का साइन आप वहां पर यूज करेंगे। ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे किया जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन टर्म्स इन एनी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एनी ऑफ कंपोनेंट्स आप यहां पर लिख सकते हैं, उस कंपोनेंट के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आ जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहां से अगर आपको इसको सिंबल्स में लिखना है, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू प्लस डी पी अपॉन डी टी, जो कि क्लियर है। आप एक एग्जाम्पल लेके, लेट सम रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन स्टार्टिंग यू कैन सी रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट वेयर एज प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन मिनिमम अमाउंट। एज द टाइम स्पेंड जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, कौन से हैं वो फैक्टर्स? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर, जिस रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसका नेचर क्या है। तो सबसे पहला जो इसमें जो हमारा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट आपका ऐसा है जो इजीली कन्वर्ट हो सकता है, मतलब उससे प्रोडक्ट बनाना आसान होगा, इसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं कि उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कंप्लीट होने के लिए जो कंडीशन चाहिए, अगर वो इजी कंडीशंस हैं तो वो आसानी से रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब द रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट कह सकते हैं या फिर हाई कह सकते हैं। दूसरा जो इसमें फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन।
ऑब्वियसली बात है जितनी ज्यादा आप कंसंट्रेशन यूज करेंगे, जितना ज्यादा आप रिएक्टेंट यूज करेंगे, उतना ही प्रोडक्ट बनने की जो संभावनाएं हैं, जो पॉसिबिलिटीज है, वो उतनी ही ज्यादा हो जाएंगी। इसका मतलब हायर द कंसंट्रेशन फास्ट विल बी द रिएक्शन। थर्ड जो इसमें आपका फैक्टर है वो है टेम्परेचर की प्रेजेंस। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, और इसी चैप्टर के अंदर आप आगे चलकर के डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलमोस्ट डबल्ड, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में आपको डिटेल में अरेनियस इक्वेशन के अंदर और आगे जो पॉइंट्स आएंगे, इसमें टॉपिक जो आएगा उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। अगला जो फैक्टर है इसके अंदर, फैक्टर्स को आप नोट डाउन करते चले। नेक्स्ट जो फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर, वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल स्पीसीज व्हिच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन विदाउट एनी चेंज इन इटसेल्फ। इसके अपने अंदर कोई चेंज नहीं होता जबकि ये किसी केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। इनको ज्यादातर यूज किया जाता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इन सभी फैक्टर्स के बारे में जैसे ही आगे इनके बारे में डिस्कशन आएगा, इनको डिटेल में आपको बताया जाएगा। अगला जो इसके अंदर फैक्टर है वो है एरिया। एरिया, जितना ज्यादा एरिया यूज किया जाएगा, मोर विल बी द एरिया, फास्ट द रिएक्शन। जितना ज्यादा एरिया यूज किया जाएगा, रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम HCl की फॉर्मेशन की बात करें, H2+Cl2, यहां से अगर आपको HCl बनाना है तो ये जो रिएक्शन है ये कुछ ऐसी रिएक्शन है जो लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा अच्छी होती है। डार्क में ये हो जाती है, लेकिन इसकी जो रिएक्शन की जो रेट है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो ऐसी रिएक्शंस जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, यहां से आपका एक और पॉइंट क्लियर होगा, उनको बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में बहुत अच्छे से कंप्लीट होती हैं, उन रिएक्शंस को फोटोकेमिकल रिएक्शन बोला जाता है। तो लाइट का भी अपना ही एक इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। आगे इसमें हम बात कर लेते हैं आज का लास्ट पॉइंट, जो हमारी यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए डेफिनेशन के अंदर आपको बोला गया था कि अगर हमें रेट को लिखना है तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी मोल पर लीटर, और टाइम जो आपका मैनेज होगा वो सेकंड में मैनेज होगा। तो इस तरह से इसकी जो यूनिट बन जाएगी वो बन जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। याद रखिए रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको आज करवाया गया है, तो आप अपना जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।